जो अधिकार अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के व्यक्तियों को संविधान के जरिए प्राप्त हुए, 70-72 सालों में पूरे मुल्क में समाज के इन तबकों को जो अधिकार दिए गए, उन अधिकारों को लेकर एक आम सहमति रही। लेकिन ये दुर्भाग्यवश कहना पड़ता है कि सरकार में आज जो है महत्वपूर्ण पदों पर, उनके लगातार बयान समाज के प्रताड़ित और उपेक्षित ये अनुसूचित जाति और जनजाति के व्यक्तियों के अधिकारों पर एक बहुत बड़ा संकट खड़ा करने का काम करते रहा। मैं 2-3 उदाहरण आपके सामने रखना चाहूँगा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरसंघ चालक मोहन भागवत जी ने कुछ समय पहले कहा था कि आरक्षण पर राजनीति हो रही है और इसका दुरुपयोग किया जा रहा है, इसे देखते हुए आरक्षण पर फिर से विचार करने की ज़रूरत है। एक तरह से वो संकेत था कि आरक्षण की व्यवस्था यह खत्म की जाए। दूसरा महत्वपूर्ण बयान मनमोहन वैद्य जी, जो संघ के प्रचार प्रमुख रहे हैं, वो कहते हैं कि आरक्षण के नाम पर सालों तक लोगों को अलग करके रखा गया, इसे खत्म करने की जिम्मेदारी हमारी है। सभी को साथ लाने के लिए आरक्षण खत्म करना होगा, आरक्षण से अलगाववाद को बढ़ावा मिलता है। और प्रधानमंत्री जी ने स्वयं जो किताब लिखी कर्मयोगी, उसमें वाल्मीकि समाज को लेकर उन्होंने क्या बात कही थी, वो आप सभी उसे अच्छी तरह से जानते हैं, मुझे कहने की आवश्यकता नहीं। लेकिन इस तरह के बयान और साथ ही साथ महत्वपूर्ण मामलों को लेकर सर्वोच्च न्यायालय में जो विषय आए, उस पर भी जिस तरह का रवैया रखा, उससे भी परेशानियां SC ST की ये बढ़ी है।